देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन माताओं बहनों की रक्षा का वादा आपकी सरकार ने किया था, उनके साथ आपकी पुलिस कैसा सुलूक कर रही है। ये ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाने की तस्वीर है, जहां के एसएचओ और कांस्टेबल ने अपने बेटे को छुड़ाने आई बुजुर्ग महिला को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसी दौरान एसएचओ ने महिला को पीछे से घूसा भी जड़ दिया। इस वीडियो में दनकौर थाने के थानेदार फरमूद अली बुजुर्ग से बदसलूकी करते देखे जा सकते हैं। मामला दरअसल ये है कि पुलिस ने शुक्रवार को ही रोशनपुर गांव के एक शख्स को मोबाइल चोरी के आरोप में उठाया था। वो बूढ़े माँ बाप का बेटा है। उन्हें जब पता चला कि वो इसी थाने में बंद है, तो वो इससे मिलने आए, लेकिन एसएचओ ने बेटे से मिलवाने की बजाय बुजुर्ग के साथ भी बदसलूकी की। आप क्यों रो रही हो? घूसा किसने मारे? हरमोद अली ने घूसा मारे। कब? अभी। एक तरफ राज्य पुलिस के मुखिया लोगों के साथ पुलिस के अच्छे बर्ताव की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के एसएसपी दिन रात थानों की सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। इसके बावजूद फरमूद अली जैसे एसएचओ अंधा कानून का राज चला रहे हैं। उन्होंने धक्के मारकर 70 साल की बुजुर्ग महिला को थाने से बाहर निकाल दिया। वो बुजुर्ग महिला रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी पुलिस वाले का दिल नहीं पसीजा। यह पूरी वारदात नोएडा पुलिस की इंसानियत पर सवाल जरूर खड़े करती है।